A positive charge of 1.5 microcoulomb is moving with a speed of 2 into 10 की पावर 6 मीटर पर सेकेंड. चार्ज पता है, v पता है, अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस. q पता है, v वेक्टर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस. b वेक्टर पता है, वेक्टर फॉर्म में है सबको. क्या निकालना है? फोर्स. फोर्स का फॉर्मूला q into v क्रॉस v. अब ये क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि सर वेक्टर में दे रहा है, ना देता तो b क्यों v sin थीटा. वेक्टर फॉर्म में तो वेक्टर फॉर्म में करेंगे. तो यहां पर q की जगह q, v वेक्टर, b वेक्टर. अब याद कर लो वेक्टर प्लस 1 का, i क्रॉस j. ये देखो i क्रॉस j, i क्रॉस k, i क्रॉस j k, i क्रॉस k माइनस j. और याद करने का तरीका प्लस 1 में ऐसे किया था, ये i कैप है, ये j कैप है, ये k कैप है. i क्रॉस j विल गिव k, j क्रॉस k विल गिव i, और k क्रॉस i विल गिव j. और अगर आपने ऑर्डर को चेक क्या किया, चेंज किया, तो आंसर क्या जाएगा? नेगेटिव. ठीक. तो पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को देखें. मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मतलब एनर्जी होती है. मेगा का मतलब 10 की पावर 6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी है. तो 10 की पावर 6 और इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करने के लिए 1.6 into 10 की पावर माइनस 19. फाइव मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट प्रोटोन इज फॉलिंग वर्टिकली डाउनवर्ड थ्रू अ रीजन ऑफ बी गिवन एक्टिंग हॉरिजॉन्टली फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ. वर्टिकल क्या होता है? ये होता है साउथ नॉर्थ. नॉर्थ से साउथ क्या होता है? कई लोग कहेंगे वो भी ये होता है. देखो जब वर्टिकल, देखो ले सकते हो नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है. पर जब वर्ड वर्टिकल आ जाए, वर्टिकल ऐसे है, तो प्लीज नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट 2D में लेना है, ऐसे लेना है ताकि वर्टिकल अलग हो. तो एक पार्टिकल, मान लो चार्ज पार्टिकल वर्टिकल गिर रहा है पॉजिटिव चार्ज, और मैग्नेटिक फील्ड मान लो साउथ से नॉर्थ है, तो एंगल बिटवीन बी एंड वी क्या है? 90. तो इट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स. वैल्यू बोलो फोर्स की, बी क्यू वी साइन 90. मैग्नेटिक फील्ड क्वेश्चन में गिवन है, वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी एनर्जी से. हाफ एम वी स्क्वायर एनर्जी है, मास ऑफ पार्टिकल प्रोटोन पता है, सॉल्व करके वेलोसिटी की वैल्यू आ गई. वेलोसिटी आ गई. वेलोसिटी में क्या कर रहे हैं आप? बी क्यू बी साइन 90, तो आंसर आ गया. डायरेक्शन बी की बोलो, फोर्स की डायरेक्शन बी कहां पर है? ये रहा सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, सेंट्रल फिंगर रिप्रेजेंट डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, और क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव है तो नीचे. फोर्स कहां पर लगेगी? आउट. बी बी वी आउट. क्लियर है यहां तक? अगर मान लो ये इलेक्ट्रॉन होता, फोर्स कहां लगती? ऑपोजिट, इनवर्ड, क्योंकि फ्लेमिंग का रूल पॉजिटिव पे चलता है, नेगेटिव पे चलता नहीं. तो मान लो इलेक्ट्रॉन नीचे गिर रहे हैं, तो आप कुछ मत करें, आप ये मान लो इलेक्ट्रॉन नहीं है, पॉजिटिव चार्ज है, तो बी वी फोर्स बाहर है, तो पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स बाहर है. नेगेटिव चार्ज होता तो फोर्स कहां पर होती? अंदर होती. तो आपने पॉजिटिव के साथ सॉल्व करके, अगर नेगेटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन को क्या कर देना है? चेंज करना है एंड में. क्लियर है यहां तक? बी कहां पर है आप? ठीक है, बी इधर है. बी कहां पर? फिंगर्स सही करो पहले 90 डिग्री. अब शुरू करो, बी फर्स्ट फिंगर बी. आपने कहीं लिखा था? बोल तो रहा था लिखते हुए, मैं तो चेक कर लिया था. बी वी फोर्स.
क्वेश्चन है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये देखो ये एक वायर है, ये वायर में करंट कैसे जा रहा है, ऊपर। एक चार्ज पार्टिकल है, ये 4×10^6 से कहां रहे, नीचे, पॉजिटिव चार्ज है 0.2 meter पे, तो ये फोर्स बताओ कहां कितनी एक्सपीरियंस करेगा। पहली बात, बी कहां से आएगा, करंट कैरिंग वायर इसके आसपास बी जनरेट करेगा, बी की वैल्यू क्या होगी इनफाइनाइट वायर का, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4π2I/R, बी आ गया। बी कहां लगेगा, बोर्ड के अंदर, कैसे ना, फ्लेमिंग का रूल नहीं, पिछले चैप्टर में जाएंगे अब, पिछले चैप्टर में करंट कैरिंग वायर राइट थंब इधर है, तो बी कैसे है इनसाइड, अब राइट भी चलेगा अब लेफ्ट भी चलेगा, फोर्स निकालने के लिए लेफ्ट चलेगा और बी निकालने के लिए राइट हैंड चलेगा, पिछला चैप्टर। तो क्या करेंगे, बी यहां पर है, करंट यहां पर है, बी बोर्ड के अंदर है, अब फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल फोर्स बताएगा, बी कैसे है बोर्ड के अंदर है और वेलोसिटी कहां पर है, नीचे है, तो फोर्स कहां पर है, टुवर्ड्स राइट है, आंसर राइट है। ठीक, इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस नीट एनसीईआरटी बिल्कुल भी आपको अल्फा पार्टिकल का हिंट नहीं देगी, याद करना है और क्वेश्चन जरूर देगी अल्फा पार्टिकल पे। मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज ऑलवेज 4 times मास ऑफ प्रोटोन एंड चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल 2 times चार्ज ऑफ प्रोटोन, ड्यूट्रॉन भी देती है, चार्ज प्रोटोन ड्यूट्रॉन पे ई होता है, प्रोटोन के इक्वल होता है और मास क्या होता है 2 times मास ऑफ प्रोटोन। ठीक,